हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं और जितने भी संविदा कर्मचारी हैं जो बिहार सरकार के सरकारी विभागों में संविदा आउटसोर्स अवर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों को लेकर बिहार सरकार के अधिकारी बड़े मिशन में लग चुके हैं। यानी कि संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करने को लेकर विभागीय स्तर से जो है जानकारी प्रोवाइड की गई है। यानी कि आप लोग जैसा कि अपने इंटरफेस पर देख रहे होंगे, स्पष्ट रूप से नवभारत टाइम्स के द्वारा ये पब्लिश किया गया है। यानी संविदा कर्मचारियों को लेकर सरकार के आदेशानुसार जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से तमाम मीडिया चैनल को पता इस बात की जानकारी लग चुकी है। आपको बता दें कि डिजिटल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक ये बात जा चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रिंटेड मीडिया तक ये बात जा चुकी है, जैसा कि आप लोगों को तमाम खबरों के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का काम किए हैं। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बताते हैं आखिरकार विभागीय स्तर से आप लोगों को लेकर के क्या कुछ जानकारी आ रही है, क्या कुछ सेवा शर्तों के हिसाब से आप लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं सरकार प्रोवाइड करने को लेकर के जा रही है, कब तक आप लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी, तमाम जानकारी आप लोगों को बता दें कि इस खबर के माध्यम से देने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाने का काम भी हम इस खबर में करने वाले हैं। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और तमाम जानकारी प्रोवाइड करते हैं। उससे पहले आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों से एक छोटी सी अनुरोध करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके खबर को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, जिससे हम लोगों को पॉजिटिव मोटिवेशन बनता है कि आप लोगों के हितों में काम आगे करने की परस्परताएं बनाए रखें। तो जैसा कि आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होगा कि बिहार यानी कि नीतीश सरकार लगी बड़े मिशन में, नियोजित और कॉन्ट्रैक्ट वाले 4 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले। अब यहाँ पे आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी ये सोच रहे होंगे कि संविदा कर्मचारियों की यह जनसंख्या जो कैबिनेट मंत्री ने बताया वो तो 6 लाख के करीब है, फिर यहाँ पे 4 लाख संविदा कर्मचारियों के बारे में ही क्यों कहा गया है। तो अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे फर्स्ट फेज में 4 लाख संविदा कर्मचारियों को ही लिया गया है, जिसमें प्रायोरिटी के आधार पे जो है यहाँ पे गणना करते हुए संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करने को लेकर सरकार काम कर रही है। तो अब जैसा कि आप लोग आगे देख रहे होंगे, होगा सभी संविदा कर्मचारियों का, लेकिन बारी बारी से होगा, इसीलिए आप लोग आगे खबर को ध्यान से देखिए, उसमें सब कुछ पता आप लोग को चल जाएगा। तो जैसा कि अब आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही बिहार में जो कॉन्ट्रैक्ट और नियोजित वाले जो कर्मचारी हैं उन सभी की बल्ले बल्ले होनी तय है। यानी कि सरकार ने इसके लिए संबंधित विभागों को चिट्ठी भी लिख दी है और तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर इसमें एक तरह से इन कर्मचारियों के वर्तमान में जो आप लोगों को मानदेय और प्रासंगिक सरकार दे रही है वो कहीं से ठीक नहीं है, जिसको लेकर के सरकार ने इसके लिए संबंधित विभागों को चिट्ठी भी लिख दी है और आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के वेतन मान को रिवीजन किया जाएगा। यानी कि आप लोगों को सबसे पहले वेतन मान की खुशखबरी देने के बाद और आगे इसके बाद आप लोग को तमाम तरह की सुविधाएं, जैसे कि जिनके पास जो है संविदा अधिनियम के तहत जो है 2022 के तहत आप लोग के जिनके सेवा पुस्तिका बनी हुई है उन सभी को पहले नियमितीकरण किया जाएगा, मतलब तमाम तरह की जानकारी लोगों को बताने वाले हैं। तो खबर में बने रहे। अब जैसा कि आप लोगों को सबसे पहले मैं डेट दिखा देना चाहता हूं कि आखिरकार ये खबर जो है कब की पब्लिश की हुई है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि नवभारत टाइम्स के द्वारा किया गया है, जो कि 10 अगस्त 2024 को 11:39 AM में इसे जो है पब्लिश किया गया है। अब जैसा कि आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी आगे स्पष्ट रूप से आप लोग देख रहे होंगे कि पटना ब्यूरो से जो रिपोर्ट आ रही है उसके माध्यम से कि बिहार सरकार के अलग अलग दफ्तरों में कॉन्ट्रैक्ट पर यानी कि संविदा और नियोजित कर्मियों का मानदेय और प्रसर्मिक बढ़ाया जाएगा। नीतीश सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर नियोजित कर्मियों के मानदेय प्रसर्मिक के निर्धारण और पुनरीक्षण का फैसला किया है। इसके लिए बकायदा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बना दी गई थी, जिसके हिसाब से आप लोगों के लिए इस कमेटी के सदस्य सचिव सभी जुड़े हुए विभागों के प्रधान सचिव या फिर सेक्रेटरी होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के प्रधान सचिव या सेक्रेटरी भी इस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बिहार में फिलहाल जो है
कुल मिलाकर के 4 लाख संविदा कर्मचारियों को अभी नियमितीकरण के साथ साथ तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं बिहार सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसको लेकर के बिहार के 44 विभागों के संविदा कर्मचारियों के जो प्रधान सचिव हैं और सचिव हैं, कुल मिलाकर के DGP आयुक्त जितने भी प्रमंडलीय आयुक्त हैं उन सभी को इसके जो है कमिटी बनाई गई है, ताकि आज के समय में अभी के समय में जो महंगाई है, जो बाजार दर है, उसके हिसाब से वो गणना कर सके, आकलन कर सके कि आखिरकार संविदा कर्मचारियों के वेतनमान जो है कितना तक होना चाहिए, साथ ही उन लोगों को इसमें क्या क्या अलाउंस जोड़ के मिलनी चाहिए। मतलब कि तमाम जो नजरिए से देखने के बाद जहां से भी आकलन की स्थिति सही आएगी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने उसे समीक्षा के लिए भेजा जाएगा, और समीक्षा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने जो है आप लोगों के हितों के लिए जो है तमाम विभागों के प्रधान सचिव भी वहां पे मौजूद होंगे, ताकि कोई भी ऐसी क्लू मिलती है उस पर विचार विमर्श किया जाए कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। मतलब कि संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं जल्द से जल्द प्रोवाइड करने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं चाहते हुए आप लोगों के हितों में जल्द से जल्द तमाम तरह की सुविधाओं को प्रोवाइड करने को लेकर के रणनीति जो है वो बनाई जा रही है, और आप लोग को तमाम तरह की सुविधाएं जल्द ही प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें क्रमशः जो है आप लोग को उचित वेतन मान के साथ साथ NPS, मेडिकल पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, EPFO, ESI, अनुकंपा, ग्रेचुएटी, रिटायरमेंट सहित तमाम तरह की सामाजिक सुरक्षाओं के साथ साथ आप लोगों के माथे पर जो संविदा का कलंक है उसे मिटा करके आप लोगों को एक सरकारी कर्मचारियों के भांति सभी प्रकार की सहूलियत आप लोगों को धरातल स्तर पर प्रोवाइड की जाएगी। आगे आप लोग जानिए आखिर क्या है सरकार का नियोजित यानी कि संविदा कर्मियों पर फैसला। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप लोग देख रहे होंगे कि बिहार की नीतीश सरकार ने अपने सभी विभागों को लिखा है कि तय मानदेय आज की तिथि में सही नहीं लग रहा है तो विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति के सामने इसे रखा जाए। सोमवार को इसी मामले में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने सभी विभागों के सेक्रेटरी, DGP, डिविजनल कमिश्नर और जिला पदाधिकारियों को खत लिखा है। खत में नियोजित और कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के मानदेय या प्रासंगिक पुनरीक्षण के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाए जाने की खबर दी गई है। ये कमेटी 2 पॉइंट पर विचार करके नए प्रासंगिक औकी तय करेगी। इसमें पहला बिंदु मार्केट रेट होगा, जबकि दूसरा सरकारी विभागों में समकक्ष पद के लेवल की सैलरी होगी। साथ ही महंगाई भत्ता और अनभत्ता को जोड़ करके आप लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी। अब आगे जैसा कि आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि साल 2022 में हुआ था सर्विस बुक बनाने का फैसला, यानी कि बिहार में कार्य संविदा कर्मी की सर्विस बुक बनाने का फैसला जो है वो पिछले साल की फरवरी यानी कि 2022 में लिया गया था, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा इसके बारे में। लेकिन इससे संबंधित डिपार्टमेंट से लेकर जिले तक में तैनात संविदा कर्मियों को शामिल किया गया था, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने ही इसका प्रारूप भी तय करके जारी भी किया था। ये सर्विस बुक हर 5 साल पे अपडेट भी की जाएगी। अगर ये 2022 में सर्विस बुक सभी विभागों का बन जाता तो यानी यूं समझिए कि अब ये साल 2027 में फिर से अपडेट होता और तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी जो नियमितीकरण का सपना देख रहे हैं उनका नियमितीकरण का सपना जरूर साकार होता। लेकिन क्योंकि सर्विस बुक बहुत सारे ऐसे विभागों में नहीं बना है, तो जिसको लेकर के है यही खबर कि जब तक सर्विस बुक सभी विभागों का नहीं बनेगा तब तक नियमितीकरण को लेकर के कोई अपडेट नहीं आएगी।